नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एस्पिडोस्पर्मा नाम की दवा के बारे में। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ एक हफ्ते के अंदर या उससे भी कम समय में ये पूरे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह वायरल हो चुकी है। लोग अपने रिश्तेदारों को, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनके घर में कोरोना एपिडेमिक के असर हैं अभी, तो लोग ये बहुत तेजी से एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्लस मुझे खुद अपने पेशेंट्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का, कई लोगों का मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज आया कि सर ये मेडिसिन कहाँ तक सही है, इसको क्या लेना चाहिए, इसके इंडिकेशंस क्या हैं। प्लस मुझे इस 4 दिन 3 दिन के अंदर कम से कम भोपाल से 150 फोन आ चुके हैं और पैन इंडिया से कम 200 फोन आ चुके हैं कि पीपल्स आर इन द सर्च ऑफ दिस मेडिसिन। और ये मेडिसिन इस कदर वायरल हो चुकी है कि ये अभी मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, क्योंकि एस्पिडोस्पर्मा जो दवा है उसका नाम मैं नहीं समझता, बहुत से होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं उन तक ने नहीं सुना। मतलब ये एक रेयर ग्रुप की मेडिसिन है। अब क्योंकि ये रेयर ग्रुप की मेडिसिन है तो उसकी वजह से पहले से ही मार्केट में इसका शॉर्टेज था, कि जो बहुत बड़ी फार्मेसीज होती हैं, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं होम्योपैथिक दवा की, जिनके पास बड़ी बड़ी एजेंसी है, SBL मेडिसिन शॉप है, फादर मूलर, सिर्फ ये वहीं पे अवेलेबल हुआ करती थी। और छोटे मोटे मेडिकल स्टोर पे, होम्योपैथिक दवा के स्टोर पे या डॉक्टर्स के पास तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं इसके बारे में, इसके ड्रग पिक्चर के बारे में एक वीडियो बना के आप सभी को, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको इसके ड्रग पिक्चर से अवगत कराऊं कि आप अपने पेशेंट्स में अपने रिश्तेदारों पे अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप इस दवा का यूज कर सके, क्योंकि ये वाकई में बहुत इफेक्टिव दवा है। और अगर आप एज अ पेशेंट इस डिलीमा में, इस कंफ्यूजन में हैं कि यार ये मेडिसिन क्या है, क्यों है, इसको किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या इसको यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भेड़ चाल चलती है भारतवर्ष में, हर कोई जानता है। पिछली बार आर्सेनिक के बारे में व्हाट्सएप पे आया था तो आर्सेनिक जो है मार्केट से गायब हो गई थी। कैम्फोरा के बारे में आया था तो कैम्फोरा मार्केट से गायब हो गई थी। और मेरा ये कहना है, मैंने एक और जो वीडियो बनाया था कोरोना वायरस के ऊपर और कोरोना इन्फेक्शन पे, जो वीडियो यूट्यूब ने डाउन कर दिया था मेरा, यूट्यूब ने ये कह के डिलीट कर दिया था कि आप कहीं ना कहीं WHO की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, इस वीडियो में जो बातें आपने बोली हैं, तो वो वीडियो डाउन हो गया था। वहां पे भी, उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि आर्सेनिक एंड कैम्फोरा आर नॉट द मेडिसिन फॉर द कोरोना वायरस। पर लोगों ने भेड़ चाल चली और भेड़ चाल चलने की वजह से इतनी वो दवाएं खाई। और मेरा ये कहना है कि अगर आर्सेनिक से इम्यूनिटी पैदा हो रही थी तो पूरी भारत वर्ष में हर आदमी ने ऑलमोस्ट आर्सेनिक खा के बैठा था। ये दूसरी वेव कैसे मार गई हम लोगों को, ये दूसरी वेव इतना ज्यादा नुकसान क्यों कर गई कि अगर हम आर्सेनिक और कैम्फोरा जैसी दवाओं से हम ले करके इम्यून हो चुके थे तो फिर हमको आज एस्पिडोस्पर्मा जैसी दवा की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा विलंब ना करते हुए मुद्दे पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्पिडोस्पर्मा का ड्रग पिक्चर। ड्रग पिक्चर मतलब मटेरिया मेडिका के अंदर इसके बारे में क्या बातें कही गई हैं, हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये होम्यो ऑइंट, ये मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप करा है एस्पिडोस्पर्मा मटेरिया मेडिका, और जो पहली जो दो वेबसाइट है homeoint.org और materiamedica.info, इन दोनों वेबसाइट के ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से इन वेबसाइट्स को आप अगर डेस्कटॉप, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल यूज करते हैं, और आप लोग किताब से, हम लोगों का देखिए डिजिटलाइजेशन के बाद किताबों से नाता टूट गया है, हम चीजों को पढ़ना भी मोबाइल फोन पे पसंद करते हैं, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड दो वीडियो बना रखे हैं। एक वीडियो बना रखा है मैंने materiamedica.info पे और एक बना रखा है मैंने homeoint.org पे। इसका जो ऊपर कार्ड में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है। अब homeoint.org पे क्या डक पिक्चर है कि एस्पिडोस्पर्मा, जिसका ये दूसरा नाम है क्वेब्राचो, इसका ये दूसरा नाम है। तो अगर किसी को ये कोई बुक के अंदर ढूंढ रहा हो और उसको अगर एस्पिडोस्पर्मा के नाम से नहीं मिल रहा है तो क्वेब्राचो के बारे में आप अगर ढूंढेंगे
तो हो सकता है आपकी जो मटेरिया मेडिका हो, जो आप किताब यूज कर रहे हो, उसमें शायद ये ड्रग क्वेब्राचो के नाम से लिखी हो, आपको इसलिए स्पीडोस्पर्मा नहीं मिलेगा। इसके बारे में क्या कहते हैं कि द डिजिटलिस ऑफ लंग, हेल, डॉक्टर हेल इसको डिजिटलिस ऑफ लंग बोलते हैं। जैसे कि डिजिटलिस का संबंध कार्डियक कंप्लेंट से बहुत ज्यादा इंटीमेट है, हार्ट की जो कंप्लेंट होती है, हार्ट फेलियर वगैरह वगैरह का, है ना, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसके ऊपर वन ऑफ द मोस्ट एंड फर्स्ट मेडिसिन जो आती है वो डिजिटलिस आती है। तो जो इंपॉर्टेंस डिजिटलिस का है हार्ट के लिए, द सेम इंपॉर्टेंस है एस्पिडोस्पर्मा का लंग्स के लिए, और इसका इसलिए निकनेम हेल ने क्या दिया है कि डिजिटलिस ऑफ लंग्स, ये लंग्स का डिजिटलिस है, ठीक है। रिमूव्स टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड बाय स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर। अब होता क्या है कि खासकर कोरोना में और जनरली लंग्स के पेशेंट के अंदर कंजेशन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पल्मोनरी कंजेशन होता है, और वो पल्मोनरी कंजेशन इतना तगड़ा होता है कि ऑक्सीडेशन मतलब बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में भेजती है, उसके बदले में एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का अपटेक करती है, और यही होता है ब्रीदिंग का तरीका, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, जिससे हमारा 98-99% ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन होता है। तो जब ये किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो एस्पिडोस्पर्मा करती क्या है कि इस ऑब्स्ट्रक्शन को रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होता है, मेडुला ब्लॉन्गेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उस रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करके ये जो है टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करती है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड को कराने के लिए। तो क्या क्या लिखी है लाइन, रिमूव टेम्परेरी ऑक्सीडेशन, टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेटरी सेंटर, इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये ऑक्सीजनेशन को बॉडी के अंदर ले जाने में मदद करती है स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करके किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को, और उससे क्या होता है एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेट कराती है, एलिमिनेट कराने में मदद करती है कार्बोनिक एसिड को। पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस ये एक, एक इसकी पैथोलॉजी, थ्रोम्बोसिस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ये जो अभी कोरोना के पेशेंट होते हैं इनके अंदर वाकई में थ्रोम्बोसिस देखने में आता है, उनका जो सीटी होता है वहां पर माइक्रोस्कोपिक पेटिचियल हेमरेज देखने में आते हैं। तो थ्रोम्बोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यूरेमिक डिस्निया, यूरेमिक डिस्निया मतलब जब किडनिया फेल होती है और यूरेमिया होता है मतलब यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, सॉरी नॉट यूरिक एसिड, यूरिक यूरिया और क्रिएटिन बढ़ता है, तो इन दैट कंडीशन कई बार डिस्निया होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर की स्थिति बनती है, वहां पे भी काम करती है। एन इफेक्टिव रेमेडी इन मेनी केसेस ऑफ अस्थमा, इस इट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इंक्रीजेस द ऑक्सीजन इन ब्लड, या रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है और ऑक्सीजनेशन जो ब्लड के अंदर है वो बढ़ाती है। वेंट ऑफ ब्रीथ, वेंट ऑफ ब्रीथ मतलब सांसें उखड़ना, ड्यूरिंग एक्सर्शन इज द गाइडिंग सिम्टम, एंड दैट इज वाई कार्डियक अस्थमा में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कार्डियक अस्थमा क्या होता है इसके ऊपर वीडियो बनना है, अभी पेंडिंग है, लिस्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा homeoint.org पे इसके बारे में क्या लिखा है। अब हम पढ़ते हैं materiamedica.info में बहुत प्यारा इसका चित्रण करा गया है कि क्वेब्राचो इज अ ब्राजीलियन फीवर मेडिसिन, ये ब्राजील की मेडिसिन है, ब्राजील में पाई जाती है और ये एक फीवर मेडिसिन है, वहां पे एज अ फीवर मेडिसिन यूज होती है। फॉर वे फ्रॉम विच द अल्कोलॉइड, इसका अल्कोलॉइड कौन सा है, एस्टिडोस्पर्मिन जो है इसका अल्कोलॉइड है। व्हाट इज द अल्कोलॉइड, अल्कोलॉइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि एकोनाइट का अल्कोलॉइड है क्या, एकोनिटिन होता है, बेलेडोना का अल्कोलॉइड है एट्रोपिन, सॉरी एकोनाइट का भी जो अल्कोलॉइड है वो भी एट्रोपिन है, ठीक है ना। ओपियम का अल्कोलॉइड क्या है, मॉर्फिन, ओपियम में क्या होता है, मॉर्फिन होता है। तो ये क्या है कि जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस है उसके अंदर मेन कौन सा केमिकल है जो उसको वो प्रॉपर्टी देता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द अल्कोलॉइड। तो एस्पिडोस्पर्मिया का जो अल्कोलॉइड है वो है एस्टिडोस्पर्मिन, has been isolated. This is in the small, very brilliant white crystals के form में होता है, soluble in water, readily soluble in alcohol and heater. अब हेल क्या बोलते हैं इसके बारे में कि it produces in animal the respiratory paralysis. ये जब animal के ऊपर इसकी proving हुई तो उन जानवरों में इसने respiratory paralysis की स्थिति पैदा की जो आज की तारीख में इन corona patient की है।
कि उनको ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है क्योंकि लंग्स की प्रोडक्टिविटी, लंग्स का काम करने का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो गई, एंड दैट इज वाई इनको क्या लग रहा है कि जब ये थोड़ी बहुत कम हुई है तो इनको ऑक्सीजन लगती है, जब ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बहुत ही ज्यादा ये कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो लोग सीधा वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हेल ने क्या बताया है कि इट प्रोड्यूसेस इन एनिमल रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, स्लो हार्ट एंड पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, इट रिलीव द डिस्निया इन थेसिस एंड प्लूरेसिस। थेसिस मतलब टीबी, पी साइलेंट होता है, पीएच साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं थेसिस। थेसिस मतलब टीबी का एंशियंट पुराना नाम हुआ करता था थेसिस, और प्लूरेसी मतलब न्यूमोनिया की बात हो रही है, और ये न्यूमोनिया इन लोगों में पाया जाता है, जो जितने भी पेशेंट कोरोना के उनके सीटी के अंदर वो कहीं ना कहीं वो निमोनिया, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स के पेशेंट होते हैं। तो डिस्निया इन टीबी एंड प्लूरेसी बट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग द फीवर, इन लोगों के अंदर ये फीवर पे काम नहीं करेगी ये, हाँ ये जरूर डिस्निया को जरूर रिलीफ करेगी क्योंकि ये क्लिनिकल मेडिसिन है। द 1x रिलीव द अस्थमा विद द लिविड फेस, लिविड मतलब नीला, कि 1x ट्राइचुरेशन जब इसका दिया गया तो उसने क्या करा कि जो अस्थमा था एक लिविड फेस पेशेंट में, क्योंकि जब दम घुटता है तो चेहरा नीला पड़ जाता है, वो अस्थमा रिलीव किया। एंड डिस्निया विद द साइनोसिस इज फ्रिक्वेंटली रिलीव्ड बाय इट, ये साइनोसिस तो होता है हाइपोक्सिया की कंडीशन, कि जब भी बंदे को कोई भी लंग्स के डिसऑर्डर के कारण, जैसे कि कोरोना इन्फ्लेमेशन के कारण, जब वो सांस नहीं ले पाता तो ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को क्लिनिकली बोलते हैं हाइपोक्सिया। और एक हाइपोक्सिक पेशेंट नीला पड़ा हुआ रहता है और उसको बोलते हैं हम साइनोसिस की कंडीशन। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि 1x ट्राइचुरेशन ने रिलीव करा अस्थमा विद द लिविड मतलब नीला फेस, एंड डिस्निया इन द साइन विद साइनोसिस इज फ्रिक्वेंटली रिलीव्ड बाय इट, है ना। हेल्थ गिव्स दीज केसेस एज द रिलीव डिवाइड, मतलब इनसे किस किस हेल ने इसको कहां कहां यूज करा, और जहां पे इनको हेल, डॉक्टर हेल को इसका रिजल्ट मिला, शायद इन्हीं ने इसकी प्रूविंग करी थी, तो ये वो केस बता रहे हैं कि मिट्रल इनकॉम्पिटेंस एंड स्टेनोसिस विथ सीवियर नॉक्टर्नल डिस्निया, मतलब जो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है। अब जैसे दूसरी वाली वेबसाइट पर हमने पढ़ा कि पल्मोनरी वॉल्व के स्टेनोसिस में काम आती है, वैसे मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस और इनकॉम्पिटेंस जब रात में सांस लेने में तकलीफ हो तो बहुत काम की है। फैटी हार्ट, जो फैटी हार्ट है वो फैटी हार्ट के अंदर इसने इन्फ्लुएंस करा, पर इसने इडीमा को नहीं उतारा, कि क्वेब हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द इडीमा विच वॉज रिमूव्ड बाय डिजिटलिस, मतलब जो फैटी हार्ट का, फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट के पेशेंट में जब इसको यूज करा तो इसने डिस्निया को तो कंट्रोल करा, पर इसने एनएसआर का और इडीमा को नहीं कंट्रोल करा, तो उसके लिए डॉक्टर हेल ने डिजिटलिस का यूज किया। ये डॉक्टर साहब है जोस पी कॉबिन, ने रिकॉर्ड करा केस ऑफ द हार्ट अफेक्शन of some duration in a man of 24 years of age, there was the some enlargement especially of the right side of heart with much dyspnea and a slight mitral murmur. Mitral murmur मतलब mitral valve से regurgitation हो रहा है blood का, है ना। Following this were the sign of the emphysema, मतलब obstructive pulmonary disease का sign था, and severe attack of asthma, मतलब due to this condition of heart, valvular heart disease के कारण lungs के ऊपर effect पड़ा और बहुत severe dyspnea था और murmur थे, मतलब mitral murmur थे, है ना। और इस ये जो केस था, ये केस जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ रिलीव हुआ 3x potency से, 3x trituration से या decimal potency से। तो दोस्तों अब इन दोनों को पढ़ने के बाद, इन दोनों ड्रग पिक्चर को पढ़ने के बाद आप समझ गए हैं कि ये क्लिनिकल दवा है, पर क्या हर आदमी जो कोरोना से आज अफेक्टेड है क्या उसको ये लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये उस आदमी को लेनी चाहिए जिसका कोरोना का इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच चुका है, पहली चीज। जो डिस्निया का पेशेंट है, जिसको सांस ब्रीथलेस हो रहा है, जो जिसको सांस पूरी नहीं पड़ रही, जिसको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, जिनको वेंटिलेटर देना पड़ रहा है, जिनके सीटी स्कैन के अंदर 50-60% के आसपास लंग्स अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं या फिर उससे ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो इन सब के अंदर दिस मेडिसिन कैन बी प्रूवन एज द मिरेकल, है ना। और लोगों को इसको अंधे होके मत लेना, क्योंकि एक चीज होती है ससेप्टेबल लोगों के अंदर विच इज नोन एज द ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग कैसे करते थे? ड्रग प्रूविंग ऐसे होते थे कि जैसे मैं हेल्दी हूं,
मैंने कोई भी दवा का काढ़ा मतलब मदर टिंचर पी लिया, वो मदर टिंचर मेरे अंदर जाके जब सिम्टम पैदा करता है तब वही तो रिकॉर्ड होते हैं और वही ड्रग पिक्चर होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर ससेप्टेबल बंदा जिसकी ससेप्टिबिलिटी है किसके प्रति, एस्पिडोस्पर्मिया के प्रति, पर अगर वो बंदा ये मदर टिंचर खाली फोकट में लेगा कि उसको कोई लंग्स में इंफेक्शन नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, कोई पल्मोनरी कंजेशन नहीं है, तो दोस्तों उन लोगों के अंदर ये चांस होता है, जबकि लाखों में कुछ ही चांस होते हैं, पर अगर इसने अपने आप को प्रूव करा तो आपके अंदर वही की वही कंडीशन अप्राकृतिक रूप से पैदा भी हो सकती है। तो इसको लेने के लिए, एक कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने के लिए, द सिम्टम्स का प्रिविलेंस, द प्रिविलेंस ऑफ द सिम्टम्स एंड इंडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक पेशेंट के अंदर किसी दवा का स्कोप और सिम्टम का प्रिविलेंस है तो ही उसके अंदर वो दवा काम करेगी और बखूबी करेगी। पर अगर ससेप्टेबल आदमी को दवाएं खाली फोकट दी गई और उसके अंदर अगर दवा प्रूव करने बैठ गई तो उसके अंदर वो बीमारी ना होते हुए भी पैदा हो सकती है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपके काम आया होगा, काम आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।